हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? नवरात्रि का ये चौथा दिन है, दिन ये ग्रीन डे, क्योंकि मैं एक तो पहले ही मैंने ग्रीन डे फर्स्ट दिन ही बना दिया था, पोपट हो गई थी मैं फर्स्ट मुझे लगा कि ग्रीन डे करके मैं वाइट डे को ग्रीन डे बना दी थी मॉर्निंग में, ननी पे रस रही थी मेरे ऊपर। लेकिन आज तो पक्का ग्रीन डे है। आज तो अभी जा रही हूँ, एक जगह ख़त्म कर दिया, दूसरा जगह जा रही हूँ। आज नैवेद्य में भी कड़ राइस था, आज कड़ राइस बनाया, नूडल्स बनाया, बहुत सारी चीज़ बनाया है। फटाफट करना पड़ता है क्योंकि सब काफ़ी स्कूल सब चालू है, ये करो वो करो, सब करके भागो काम पे। इस तरह सब काम हो रहा है। और घर पे भी सुबह उठ के सब वही नैवेद्य बनाओ, साफ सफाई करके ना धो के सब करके आने को भी लेट हो जाते। गाय गाय में गाड़ी तोड़ाती हूँ, डर तो लगता है लेकिन क्या करूँ, लेट ना हो जाए ऐसे, लेकिन सोच समझ के। तो अभी जा रही है दूसरा जगह, ऊपर आए इसको नीचे बुलाओ, वो तो नीचे दिख रहा है, अभी इसको ऊपर जाती हूँ, एकदम ऊपर आता है। तो इस तरह काम हो रहे हैं मेरा, वीडियो भी बनाने को सोच रही हूँ, लेकिन कभी टाइम मिलते कभी नहीं मिलते, लेकिन ज़रूर डालूँगी। आगे अभी लिफ्ट पे मैं जाऊँगी क्योंकि लोग रहेंगे, वीडियो बना नहीं सकते। फिर मिलते हैं। आज हम बना रही हैं डाइट डोसा, इसमें हम मैंने भिगा लिया है चना दाल और ये मूंग छिलके वाली मूंग दाल। तो मैंने रात भर इसको भिगा लिया है, यानी 4-5 घंटा इसको भिगा लिया है। अभी मैं इसको पीस लूँगी डोसा के लिए और इसमें डाल देती हूँ ये सब मसाले, यानी जीरा, दो लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, ये सब लगेंगे, उससे इसे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अब ये सब हम डाल देंगे इसे पीसने के लिए। ये बहुत ही हेल्दी डोसा है, इसमें कोई दाल यानी चावल वावल नहीं है, इसे सिर्फ दाल का ही डोसा है, चना दाल और मूंग दाल भिगाया हुआ। तो अब हम इसे पीस लेंगे। ये अभी हमने पीस दिया है, इसमें सब ये ड्राई चिली, कड़ी पत्ता, ये सब आ गया है इसके अंदर, जीरा भी डाल दिया है। अभी हम इसे एक बोल में निकाल देंगे इसे, पूरा, और इसमें डालेंगे हम नमक नहीं डाले थे, नमक, इसके साथ थोड़ा सा हींग, और पानी। अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे पानी डाल के, डोसा कप डो जैसा, जितना उसको पानी चाहिए उतना। ये हो गया है अभी रेडी। अभी तवा गरम हो रहा है, पहले देखते हैं, ये डाल देते हैं एक डोसा। ये डाइट का डोसा है, बहुत ही हेल्दी है, आप ज़रूर इस तरह डोसा बना के आप खा सकते हैं। थोड़ा सा तेल, बस इस पे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, ढक्कन लगाने से बहुत जल्दी पक जाते हैं। अब ये हो गए, देख सकते हैं ये पक गए। तो ये थोड़ा गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, और थोड़ा मोटा बनाइएगा क्योंकि पेट भर सके। अभी इसको पलट देते हैं, अब देख सकते हैं कितना अच्छा पक गया है। इसको तेल भी कम ही लगता है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ये डाइट का डोसा। और ये पूरा दाल ही है इसमें, ये अभी हमारा डोसा रेडी हो गया है। देख सकते हैं कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया है, और ये गरम गरम डोसा बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी बनाइएगा गरम ही बनाइएगा, जब भी खाने करिएगा, जब भी बना के खाइएगा, तो ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है।
ठंडा होने के बाद आप खाने को आपको अच्छा नहीं लगेगा इतना, क्योंकि ये गरम गरम डोसा एकदम सॉफ्ट अच्छा बनता है। इसके साथ ये ऑनियन का चटनी मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियो पे डाला है, मैंने इसका चटनी का रेसिपी। चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बनाऊंगी। ये हो गया ब्रेकफास्ट डाइट का, दाल डोसा और ऑनियन चटनी, नो कोकोनट नो पीनट्स। ये है टेस्टी हेल्दी डोसा, मैं खा लेती हूँ अभी एक बाइट। बहुत टेस्टी है। हेलो, अभी जा रही हूँ घर। अभी रात हो गया है, 8:30 बज गया है। आज एक गिफ्ट भी मिला है ये बैग में, घर पे जब अच्छा हमारा हो गया है। घर पे जाके खोलूंगी, देखूंगी क्या क्या दिया है। ये आली कोकू का ये घर पे दिया है तो जिधर दो पप्पी है वो वाली ने दिया है, उनके लिए भी खाना बनता है ना रोज, तो घर पे जाके मिलती हूँ फिर खोलती हूँ पार्सल। मैं तो आ गई अभी घर पे, खाके थोड़ा हवा खा रही है। अरे नन्नी निकाल रही है सामान, नन्नी से बैग में से निकाल रही है नन्नी एक एक चीज। पहले ही निकाला नन्नी ने एक टॉप, है ना, सुंदर है उसका, बहुत प्रिटी। मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं था, पता है मम्मा, सच्ची में नहीं था। क्या बात कर रही है, नहीं था रेड, ऑरेंज ही ऑरेंज ऑरेंज, सच्ची में नहीं है। देख सोच के देख, मेरे पास नहीं है ऑरेंज। उसके बाद मेरा फोन, उसको उसके साथ एक ड्रेस, ओह दिस इज मैचिंग वाला सेट, मैचिंग सेट। कलर अच्छा है ना, बहुत प्यारी है, बहुत मुझे बहुत पसंद आया मैं जब देखी थी, है ना, प्यारा है। इसको वर्क भी अच्छा है, हाँ सिंपल और रिच लेकर इतना प्यारा है, मस्त लगेगा, मच्छी और सुंदर सा दिया है। वाह गणेश का है, ऐसा है ना जैसे मैंने हाथ पकड़ा है वैसा, इतना प्यारा है दिया, सुंदर पूजा में लगा सकते, गणपति बप्पा बीच में अच्छे से। और नानी एक साड़ी मेरी मम्मी के लिए, हाँ नानी मम्मा के लिए, नानी के लिए हो जाएगा साड़ी, बस मस्त तीनों का अच्छा अच्छा मिला। नानी को ऐसा साड़ी पसंद है बराबर, उनको डेली वेयर के लिए अच्छी साड़ी मिली, आरती आंटी ने, ओ आरती राम जी ने, अच्छा राम जी आंटी। इसके साथ ये प्रसाद, हाँ पान सुपारी। इसके साथ क्या क्या निकल रही है, ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट, और एक कोकोनट। और उस दिन भी एक आया था गिफ्ट, मैं नहीं निकाली थी, मैं इसमें ही रखी थी, कहाँ रखी नन्नी, वो दिया इसमें रख दिया मैंने। ये एक टाइम का गणपति में आया है, ये नवरात्र का ही इसमें वट्टी में आया था, कोकोनट के साथ ये अगरबत्ती का स्टैंड, कितना सुंदर है ना ये। ए नन्नी तू पागल हो गई ये टॉप के पीछे अच्छे दिन में डाल दूंगी ये भी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया ये अगरबत्ती स्टैंड। नींद में ही है